नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। आज पूरे देश में ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार में भी रौनक कुछ अलग ही तरीके का देखने को मिल रहा है। ऐसे में भागलपुर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह से ही जो नमाजी है वो नमाज अदा करने के लिए एक जगह एकजुट हुए और सभी को गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ भी देती हुई नजर आए हैं। बता दें कि इस मौके पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा भी शामिल हुए और जहाँ उन्होंने सब लोगों को मुबारक बात भी दी है। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तमाम जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसको लेकर जो भागलपुर के सिटी डीएसपी हैं अजय चौधरी, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उन्हें सुने। ईद का मुबारक और सबको शुभकामनाएं है। दूसरी बात यह है कि पूरे शहर में और पूरे जिले में ईद के विधि व्यवस्था के लिए पूरी चौकस व्यवस्था रखी गई है। हमारे पास एसएसबी की टीम है, हमारे पास बीएमपी की टीम है, जिला बल है, हमारे पास सीआईटी है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हर जगह पे, हर मस्जिद पे और पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा की सारे इंतजाम पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। इसलिए सभी ये पर्व जिस तरह से पहले भी पर्व अच्छे से मना है, ये पर्व भी अच्छे से मन रहा है। तो आपने भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय चौधरी को सुना, जिन्होंने बताया है कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, तमाम जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ऐसे में अजीत शर्मा जब मौके पर पहुंचे, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। सबसे पहले तो पूरे भागलपुर वासी, सभी भाई बहनों को, बिहार वासियों को, देश वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं, खूबसूरती है देश की, सभी हिंदू सभी मुसलमान भाई हम लोग हर पर्व में, जैसे आज ईद है, नमाज हो रहा है, उसमें हम लोग आए हैं कलगढ़ पे। इसलिए मैं पूरे सही भाई बहनों से आग्रह करूँगा, हम लोग मिलजुल के बिहार और देश का विकास करें और पूरे विश्व में इसका नाम हो। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश एक सबको, पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, भारत वासियों को ईद की मुबारकबाद। और इस ईद के अवसर पर मैं चाहूँगा कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग, सिख ईसाई जितने भी हैं, सब लोग मिलजुल के बिहार और देश को विकास करें और आगे बढ़ें और मजबूत रखें। तो आपने विधायक अजीत शर्मा को भी सुना, जिन्होंने बताया है कि देश में अमन और सुख चैन के लिए दुआ मांगी गई है और उसके बाद सभी भाईचारे का संदेश देते हुए सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और मुबारकबाद भी दी है। ऐसे में जो वहां मौजूद मौलाना है, उन्होंने भी बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है, पहले आप उन्हें सुबह सुन लीजिए। अमन की अपील करता हूँ, ये इंतहाई खुशी का दिन है और ज़रूरत है कि तमाम लोग एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे से मिलकर खुशी का इजहार करें। अल्लाह तबारक व ताला एक दूसरे हर एक के दिलों को मिला दे। इस्लाम नाम ही इसका है, मुसलमान उसे कहते हैं जिसकी जबान से, इसके हाथ से, उनके पैर, हर चीज़ से दूसरा इंसान महफूज रहे। और ये आज त्यौहार का दिन है, इसलिए हमारी अपील है कि तमाम आलम के अंदर, तमाम मुल्क के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा किया जाए। तो आपने मौलाना को भी सुना, जिन्होंने सीधे तौर पे ईद को लेकर बातें कही हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।